हेलो फ्रेंड्स, अभिमन टू एमईडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग। इसका हम बात करेंगे फ्री हैंड स्केच की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बाल बियरिंग कैसा होता है। ये देखिए, ये हमारे सामने एक बाल बियरिंग प्रदर्शित है। ये बाल बियरिंग में 8 बाल लगे हुए हैं। ये लाइन से ये बॉल लगे हुए हैं। ये बॉल जो होता है ये एक रिंग दो रिंगों के अंदर फिट होता है। एक अंदर रिंग होती है तथा एक बाहर रिंग होती है। इसका यूज़ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। लगभग जितने भी गाड़ियाँ होती हैं, वाहन चलने वाले, उन सब में इस बियरिंग के थ्रू ही घर्षण को यानी फ्रिक्शन को कम किया जाता है। तो बात करते हैं इसके डायमेंशन की। तो ये जो अंदर वाला रिंग है वो 24 फाई का है। ये अंदर वाला जो सर्कल है वो 24 फाई का लिखा हुआ है। ये एग्ज़ाम में फ्री एंड स्केच के तौर पर आता है। तो ये 24 का है और ये आउटर सर्किल, इसकी बात करें तो आउटर सर्किल यहाँ पे लिखा हुआ है 52 mm का। और साथ ही साथ ये और ये, मतलब एक बाल से दूसरे बाल के बीच जो गैप है यानी PCD सेंटर से, वो है 38 PCD का। साथ ही इस बॉल का जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे ये बॉल लॉक होता है, वो लॉक होने वाला 32 फाई का है। एक बॉल से उसके सामने दूसरे बॉल के बीच का ये 32 फाई का सर्कुलर पोर्शन है। साथ ही ये ऊपर लिखा हुआ है 8 10 5 balls। इसका मतलब ये है कि 8 इसमें बॉल लगे रहेंगे जिनका डाया होगा 10 फाई। इस प्रकार ये बॉल बियरिंग है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉल बियरिंग बनाते कैसे हैं। उसी के सेम तरीके से ही यहाँ पे बॉल की जगह पे अगर रोलर लगा दिया जाए, यहाँ पर रोलर लगा दिया जाए, तो वो रोलर बियरिंग कहलाएगा। तो देख लेते हैं रोलर बियरिंग कैसा दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे बॉल की जगह पे एक रोलर लगा दिया गया है। बाकी सारे डायमेंशन और सब कुछ सेम है, तो ये रोलर बियरिंग हो जाएगा। यहाँ पे बॉल अगर लगाते हैं तो ये बॉल बियरिंग होगा, रोलर बियरिंग लगाते हैं तो रोलर होगा। रोलर लगाने पे रोलर और बॉल लगाने पर बॉल बियरिंग। बनाने का तरीका सेम है, डायमेंशन भी लगभग सेम है। तो आइए बनाते हैं सबसे पहले। हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसी सेंटर लाइन से हम बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग दोनों ही बियरिंगों को बनाएंगे। देखिए, ये हमारा एक सेंटर लाइन है। अब इस सेंटर लाइन से हम एक यहाँ पर इसको सेंटर मान लेते हैं हम सर्कल बनाने के लिए, जो कि उसका साइड व्यू होगा। उसको बनाने के लिए इस सेंटर से बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहला ये देखिए इस चीज़ को बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, इस पोर्शन को बनाएंगे। तो ये 15 mm इसकी थिकनेस है और ये 52 mm है। तो इस सेंटर लाइन से हमें 26 नीचे और 26 ऊपर जाना पड़ेगा और साथ में 15 mm इसकी थिकनेस लेनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा। तो देखिए, इस सेंटर लाइन से 26 नीचे और 26 ऊपर लेंगे तो ये 52 का बन जाएगा। साथ ही इसकी राइट साइड में 15 mm यानी 15 mm राइट साइड में जाएंगे, 15 mm राइट साइड, ये देखिए। और इसको हम ऊपर की तरफ भी बढ़ा देंगे इधर साइड से भी, ये देखिए ऐसे। तो ये एक लगभग स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल बन जाएगा। उतना बनाने के पश्चात ये देखिए, अब हमें ये सेंटर और ये सेंटर निकालना है। ये 38 फाई दिया हुआ है, मतलब इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 38 है। 38 को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो हमें ये सेंटर मिल जाएगा 38, अर्थात तो 19 ऊपर जाएंगे और 19 नीचे। इस सेंटर लाइन से 19 mm ऊपर ये एक पॉइंट मिला और 19 mm नीचे अगर जाएंगे तो ये एक पॉइंट मिलेगा। इसको एज ए सेंटर लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, इसको भी एज ए सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमें एक बॉल बनानी है जिसका डाया 10 फाई का होगा। बॉल बनाने के लिए यहाँ पर हमें 10 फाई का सर्कल बनाना है। उससे पहले एक वर्टिकल सेंटर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसकी जो थिकनेस थी वो 15 mm थी, यानी 7.5 पे एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल सेंटर लाइन ये हमने 15.5 mm पे एक ड्रॉ कर दी। ये हमने सेंटर लाइन 15.5 mm पे ड्रॉ कर दी। अभी यहाँ पर दो सेंटर लाइनें कट कर रही हैं, ये वाली और ये वाली, वहाँ पे हम 5 radius का एक सर्कल बनाएंगे। रख के 5 mm का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये 5 mm बहुत ही छोटा सर्कल है। इसको अगर आपके पास मास्टर सर्किल हो तो उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा बनेगा सर्कल इस प्रकार। जब सर्किल बना लें उसके बाद
उसके बाद ये कुछ टेपर था, ये देखिए। अब उसके बाद ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बनाएंगे, ये जो पोर्शन है इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए सेंटर लाइन से 16 mm ऊपर जाएंगे, 16 mm ये आया और देन 16 mm इधर से भी मेजर करेंगे, ये आया। इसको ऐसे हम मिला देंगे, ऐसे टेप पर इसको ऐसे मिला देंगे और सेम तरीके से इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, जिसके बीचों बीच में ये हमारा सर्किल है। ये देखिए कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। इसके बाद जो इसमें शाफ्ट लगाने के लिए जो जगह था वो था 24 mm। 24 का अर्थ ये हुआ कि 12 mm ऊपर ये मेजर करिया और इसी सेंटर लाइन से 12 mm नीचे ये, और एक लाइन ड्रॉ कर दिए ऐसे और ये ऐसे। अब ये जो पोर्शन है इसकी हम हैचिंग लाइन कर लेंगे। ये जो पोर्शन है इसकी 45 डिग्री एंगल पर हैचिंग लाइन करेंगे। हैचिंग लाइन हम ये देखिए इसकी हैचिंग लाइन करते हैं। ये सॉलिड बॉडी है इसलिए हम इसकी हैचिंग लाइन करेंगे। ये देखिए हैचिंग लाइन शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो। इस ऊपर वाले हैचिंग लाइन कर लेंगे, नीचे वाले की अपोजिट 45 डिग्री एंगल पर हैचिंग लाइन करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट अलग अलग हैं। एक बाहर वाला रिंग है जबकि दूसरा वाला अंदर की तरफ का रिंग है। इस प्रकार जब हैचिंग लाइन कर लें तो ये हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। किसका? हमारा फ्रंट व्यू बनेगा इसका, बॉल बियरिंग का। अगर ये बॉल जो लगाया है, इसी बॉल को अगर रोलर के बियरिंग बनाना है तो रोलर लगा देंगे। अब हम इसका साइड व्यू बनाने जा रहे हैं। साइड व्यू बनाने के लिए प्रकार की नोक यहाँ पर रखिए, ऊपर वाला डिस्टेंस मेजर कीजिए और एक सर्कल ड्रा कर दीजिए सबसे पहला। तो ये जो सर्कल बनेगा, ये जो हमारा बियरिंग है उसका आउटर सर्कल बनेगा। इसका सेंटर लाइन जहाँ पर बनाया है उसको याद रखिए। देन इसके बाद सेंटर पर रखिए और PCD वाली लाइन पर ले जाइए और एक सेंटर लाइन के तरीके से लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट बना दीजिए। ये हमारा PCD का सर्कल है। जब इतना आप बना लें तो आपने दो सर्कल बना लिया। उसके बाद सबसे अंदर वाली जो ये शाफ्ट है उतनी डिस्टेंस लीजिए और उसको बना लीजिए। उसको लीजिए और इसको बना लीजिए सर्कल को। ये जो हमारा सर्किल बना, ये अंदर वाले शाफ्ट के लिए सर्किल बना। अब देखिए, अब हमें और चार सर्किल बनाना है। पहला दो सर्किलें इसके लिए बनानी है। देखिए दो सर्किलें इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए बनाना है। दो सर्किलें इस पॉइंट के लिए बनाना है। तो उतनी डिस्टेंस मेजर कीजिए और दो चारों सर्किल ड्रॉ, उस सर्किल को ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये लीजिए, डिस्टेंस मेजर कीजिए और ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। जब ये वाला सर्किल ड्रॉ कर लें उसके बाद एक और सर्किल ड्रॉ करनी है, उसको भी ड्रॉ कर लें ऐसे। ये बिल्कुल पतले नोक वाले पेंसिल का आप यूज करेंगे जिससे कि क्लियरिटी दिखाई दे आपको। साथ ही साथ ये जो अंदर वाले पोर्शन है इसके लिए भी सर्कल ड्रॉ करनी है, उसको सर्कल ड्रॉ भी ड्रॉ कर लीजिए। इसमें बहुत सारे सर्कल हैं। उसके बाद उससे अंदर वाले लाइन को भी, ये जो मेजर किया था उसको भी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस टाइप से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, सारी सर्कुलर ड्रॉ हो गई। अब जो बात करते हैं इसमें बॉल बनाने की। बॉल बनाने के लिए वर्टिकल सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लें सबसे पहला चीज़। इसमें वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लें, क्योंकि टोटल 8 बॉल हमें लगाने हैं। 8 बॉल लगाने हैं, साथ ही ऐसे इसको, ये जो 90 डिग्री है इसको 45 डिग्री एंगल में इसको भी विभक्त कर लें, मतलब डिवाइड कर लें 45 और 45 डिग्री एंगल पर। इस प्रकार हमें 8 पॉइंट मिल जाएंगे। ये देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मिले। ये जितने 8 पॉइंट मिले हैं, इन 8 पॉइंटों पे हम एक एक बॉल बना देंगे। ये बॉल कुछ ऐसा होगा, देखिए ये ऐसे, यहाँ पे ये फ्री हैंड हम बना रहे हैं। आप मास्टर सर्कल का यूज करके या फिर प्रकाल से बना सकते हैं। ये सर्कल ऐसा है, हम वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम इस सर्कल को फ्री हैंड बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी सर्कल है और यहाँ पे भी ये लगा हुआ है, एक यहाँ पे भी लगा हुआ है। इस प्रकार ये 8 सर्कल हमारे बन गए। ये रहा हमारा जो है रोलर बियरिंग। सॉरी दोस्तों, ये बॉल बियरिंग था।
इसके बाद अगर रोलर बियरिंग की बात करें तो रोलर बियरिंग लगभग सेम होता है, बस यहाँ पे हमें रोलर लगाना होता है। तो रोलर बियरिंग और बॉल बियरिंग के जो ये साइड व्यू होता है एक जैसा होता है। अगर यहाँ पे हम रोलर बियरिंग की बात करते हैं तो रोलर बियरिंग का ये फ्रंट व्यू हम आपको समझा दे रहे हैं, जिससे कि आप साइड व्यू आसानी से बना सकते हैं। रोलर बियरिंग का साइड व्यू बनाने के लिए आपको इसी लाइन को इधर साइड में प्रोजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि सेम है, यानी 15 mm का ये लाइन खींचा हमने। सबसे पहला काम 15 mm का ये लाइन खींचा, एक इस लाइन से 26 mm नीचे एक लाइन खींचा और इससे 26 mm ऊपर जाएंगे। यहाँ से सेंटर लाइन तक 26 और ये 52 हो जाएगा। 52 लाइन लेने के बाद 15 mm राइट साइड में जाएंगे। 15 mm राइट साइड में ये गए और ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, सेम ऐसे ही ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। सेम डिस्टेंस जैसे इसमें लिए थे वैसे ही इसमें लेकर हम इसको बना देंगे, इस पोर्शन को जो ये बॉल से होता हुआ जा रहा था, साथ में इसमें ये रोलर से होता हुआ जाएगा। ठीक, अब देन ये जो पोर्शन था ये ऐसे ही बनेगा, इसमें भी ये जो पोर्शन था इसमें भी ऐसे ही बनेगा। बस अब बात करते हैं रोलर बनाने की। तो रोलर का जो थिकनेस था वो दिया हुआ था 10 का, तो यहाँ पे हम एक रोलर लगाते हैं। ये रोलर हमारा हो जाएगा, इसका डाया 10 mm का है। और देखिए इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। अब इसकी हैचिंग लाइन कर देंगे हम 45 degree एंगल पे, इसकी भी हैचिंग लाइन हम ऐसे कर देंगे। इस प्रकार ये हमारा रोलर बियरिंग बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा बॉल बियरिंग। और इसका साइड व्यू, और दूसरा ये हो गया रोलर बियरिंग, जिसका साइड व्यू अगर इसको आप ढक के देखें तो ये इसका साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। और अगर इसको ढक देते हैं तो ये बॉल बियरिंग बन जाता है, मतलब ये दोनों के लिए कॉमन है। तो ये दोनों में सेम बनेगा, सेम डायमेंशन पे हमने बनाया है। तो इस प्रकार ये हमारा रोलर बियरिंग और बॉल बियरिंग आपको दोनों समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि आई थिंक कि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स और बाकी भी स्टूडेंट जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन सबके लिए ये ज़रूरी है।